Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. And now today your lecture number last and this topic terms of credit. I'm already discussed with student ki what is credit. Firstly, I repeat this word ki credit. Credit means student ki agreement whereby a financial institution agrees to lend a borrower maximum amount of money over a given period of time. It is a credit, and credit means loan, student. Okay, and credit terms of credit divided the parts just for firstly collateral, documentation, tenure, kitna mode of repayment hai, rate of interest. Ye sare terms of credit ka part hai. Now one part for discuss firstly collateral security. I am already discussed part, but again. Student collateral, very simple ki collateral means security. In addition to the interest, lenders may demand the collateral security against the loan. Loans ke against mein hum ek security lete hain borrower se, okay? Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicles, livestock, deposit with banks, and uses this as guarantee. Ek guarantee form mein lete hain to a lender and until the loan is repaid. और जब लोन वहाँ पर जो बोरोवर होते हैं वो जब पेमेंट कर देते हैं और उन सिक्योरिटी को फिर बैंक वापस कर देती है. इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपेमेंट, अगर हो सकता है कि जो बोरोवर ने लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट. और वो उसका राइट है कि जो उसने सिक्योरिटी पे लिया है, जिस बिहाफ पे उसने लोन लिया है, जो उसने डॉक्यूमेंटेशन एनीथिंग जो भी उसने रखा था, वो बैंक का राइट है कि उसको सेल कर सकती है. और उससे इसीलिए कोलेटरल रखा जाता है एज अ सिक्योरिटी. ओके, तो कोलेटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट. और इस तरीके से बैंक का भी लॉसेस नहीं होता है. तो इट मींस कि स्टूडेंट के एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, ओके, एंड कैन बी यूज्ड एज गारंटी. एक गारंटी रहती है और टू द लेंडर अंटिल द लोन इज पेड. और जब लोन पेड हो जाता है तो कोलेटरल को वहाँ पर रिटर्न किया जाता है. तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर कॉमन सच एग्जाम्पल स्टूडेंट फॉर कोलेट्रल यूज फॉर बोरोइंग. तो कोलेट्रल किसके उस पर रखा जाता है, जब हम किसी चीज़ की बोरोइंग करते हैं बैंक से, किसी भी लोन को लेने के लिए हमें कोलेट्रल सबमिट करना पड़ता है. ठीक, कोलेट्रल हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, टेन और कोलेट्रल हमारे कोई एसेट्स हो सकती है जिसके हम जिसको हम डॉक्यूमेंट पेमेंट में दे सकते हैं. और इस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी वहाँ रख के और हमें मनी लेंडर या हमारे बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट से एक लोन प्रोवाइड करती है. और उसको हम जब रीपेड कर देते हैं तो वो कोलेटर हमें रिटर्न में वापस किया जाता है जो हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया था. तो इस तरीके से कोलेटर अपनी वर्किंग, इसको हम कोलेटरल कहते हैं. तो कोलेटरल एन एसेट दैट द बोरोवर, जो भी हमने जिस एसेट्स को हमें लेना है उस एसेट्स के बिहाफ पे बोरोवर अपने ओन्स डॉक्यूमेंट या कोई एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी कागज कुछ ऐसी चीज़ें रख के एंड कैन बी यूज्ड एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज पेड. ओके, तो ये हमारा हो गया कोलेटरल. नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ क्रेडिट. फर्स्ट फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स. स्टूडेंट फॉर्मल सोर्स के गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन सच एज कॉमर्शियल बैंक, रूरल रीजनल बैंक एटसेट्रा. स्टूडेंट वेरी सिंपल कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स मीन्स कि लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कॉपरेटिव. ओके, फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स बैंक एंड कॉपरेटिव. द आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन. स्टूडेंट दिस वर्ड इज रिपीटेड कि द आरबीआई इज द सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स. बट इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर इट मीन्स कि नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज सच एज फैमिली, फ्रेंड, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर एटसेट्रा. तो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एटसेट्रा. तो एज देर इज नो वन टू सुपरवाइज देयर क्रेडिट एक्टिविटीज, दे कैन चार्ज वॉट एवर इंटरेस्ट. उनमें कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं है. इंटरेस्ट रेट दे चूज द एंड इवन यूज अनफेयर मीन्स टू रिकवर देयर मनी. और वहाँ पर अनफेयर वर्क है. यहाँ पर आपने देखा फॉर्मल में गवर्नमेंट की पूरी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सुपरवाइज होता है, फंक्शनिंग होता है. बट इनफॉर्मल में गवर्नमेंट का रोल ऑफ नहीं है. वहाँ पर नॉन गवर्नमेंट सच एग्जाम्पल आपने अभी देखा, फ्रेंड्स, रिलेटिव, आपके एम्प्लॉयर्स एटसेट्रा.
now. Formal sources of credit. Student, commercial bank, cooperative societies and regional rural bank constitute the formal sector of credit. I am already discussed the firstly, ki the Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sources of loan and they collect the low rate of interest. Firstly, student ki yahan par low of rate of interest hai. Formal sector ke jo types hain wo banks aur aapka cooperative ho gaya. Features mein formal sector student ki low rate of interest, easy repayment hai, documentation required hai. Again my words repeated student, formal ki two types hote hain, jis type se hamara bank aur cooperative society work karta hai. Dusra bank, formal ke features ho gaya, low rate of interest hai, easy repayment hai aur documentation ki required hai. Jaisa ki abhi humne aapko collateral form bataya. ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं दे इनफॉर्मल सेक्टर. तो आपने यहाँ पर देखा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी प्रोसीजर है वो आरबीआई से है. आरबीआई इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. नेक्स्ट इनफॉर्मल सेक्टर. स्टूडेंट इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारा होता है वो आपने अभी हमने डिस्कस किया कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा सोर्सेस है जो लेंडर्स इंक्लूड द मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो स्टूडेंट की इनफॉर्मल टाइप्स की जस्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट इज़ नॉट ईजी. जैसा कि आपने देखा कि फॉर्मल सेक्टर में ईजी रीपेमेंट होता है बट यहाँ पर ईजी नहीं है. हाँ नेक्स्टली कि यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है बट आपने देखा फॉर्मल सेक्टर में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आपने देखा, हम लोगों ने कोलेट्रल पढ़ा जिस फॉर्म में, बट यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में नो डॉक्यूमेंटेशन. ओके फीचर्स क्या हैं, जस्ट यहाँ पे जो मेन आपने देखा कि मनी लेंडर, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव, इनसे ये हमारा आपने देखा कि इनसे ये लोग लोन्स को लेते हैं, मतलब एज अ क्रेडिट. तो इस एक्टिविटी में आपने देखा कि कोई भी सुपरवाइज में नॉन गवर्नमेंट है, नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई आरबीआई का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है. तो जस्ट लाइक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स एंड लोन टेकिंग फ्रॉम द, ये लोग लोन किससे ले रहे हैं, लोन टेकिंग फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव, फ्रेंड. बट फॉर्मल सेक्टर में अभी हमने डिस्कस किया कि लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है. ओके बट इनफॉर्मल सेक्टर में स्टूडेंट आपको फिर हम रिपीट करें कि लोन टेकिंग फ्रॉम मनी लेंडर, ट्रेडर्स एंड रिलेटिव एंड फ्रेंड्स. नाउ लेट्स सी, इट इज द सिंपली डिफरेंस. आई एम ऑलरेडी डिस्कस पार्ट कि फॉर्मल सोर्सेज मीन्स कि रिचर पीपल हैविंग एसेट विच कैन बी प्लेज्ड एज कोलेट्रल फॉर्म. जस्ट आर यू नो डैट कि कोलेट्रल मीन्स कि एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स कैन and can be used as guarantee to the lender until the loan is paid. But cooperative society just a firm, a firm business or other organization that is owned or jointly run by its member who share the profits and benefits. Cooperative society. But bank is the collateral form because the reasonable low and bank and cooperative society. तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि जो भी profit है या जो भी हमारा, एक तो जब ये loan यहाँ पर provide जो भी मुझे मिलेगा या किसी को भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि now differentiate between the formal sources and informal sources. So firstly discuss the formal sources credit. Student, this credit is provided by banks and cooperative society to the borrower. I am already discussed ki formal sector credit is provided by banks and cooperative society to the borrowers, and the Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sector of loans. It is a predominantly check the interest rate and the details of the sources. But a proper ek management hai, proper ek terms of credit, just like a collateral, documentation, rate of interest and mode of payment are followed. Yahan har cheez follow ho rahi hai ek kis form mein. क्रेडिट अगर हमें किसी को देना है लोन, तो एक कोलेट्रल लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज़ क्लियर डाट है. एंड दे प्रोवाइड वेरी चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विद द कॉमन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर ऑल. एंड दे चार्जेस वेरी लेस इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. आपने देखा कि यहाँ पे जो चार्जेस भी लिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट में वेरी लेस है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर. अब आते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर.
तो स्टूडेंट आई एम ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्टली कि इनफॉर्मल सेक्टर इज द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय ट्रेडर्स मनी लेंडर एम्प्लॉयर्स रिलेटिव एंड फ्रेंड एंड देर इज नो गवर्नमेंट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ सुपरवाइज द फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड फ्लेक्सीबल फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ द लेंडर एंड द वेरी पिटेबल कंडीशन ऑफ बोरोवर्स स्टूडेंट Why? Because their rate of interest is much higher and than that of formal sector has and exploit the borrowers for their own benefits. Okay? So no such organization that supervises these sources, but formal sector is supervises is functioning RBI. Okay? So this is the main functioning clear ki RBI is the supervise, it is the functioning for formal sector and informal no such organization, no government that supervise these sources. Okay, and very reasonable low interest for formal sources and informal very high. Okay, and this credit is provided by trader, money lender, employer, relative, friends in formal sector. But formal sector, this credit is provided by banks, cooperative society due to the borrowers. Okay, now student self-help group very normal ki a self-help group has 15 to 20 members, mostly women of a neighborhood, and each member contributes some money and members can get a small amount as loan from the group rate of interest and low at it is decided by the member. वेरी इजली स्टूडेंट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमारा जो बनता है वो एक पुअर हाउस होल्ड डिपेंड होती हैं एक इनफॉर्मल सेक्टर है इस तरीके का ये बनाया गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ एन इनोवेटिव ए टू ऑर्गनाइज रूरल एंड अर्बन पुअर पर्टिकुलर वुमन एंड SCG हैज़ 15 to 20 मेम्बर्स बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड एंड दे मीट एंड पुल देयर सेविंग रेगुलरली वहाँ पर 15 to 20 मेंबर हो सकते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट और इस तरीके से सेविंग रेगुलरली वहाँ पे पुल की जाती है और सेविंग पर मेंबर्स में वेरी एज पर द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर और जो भी अमाउंट होता है वो सबकी कैपेसिटी को देखते हुए वहाँ पे कलेक्ट होता है 50, 100 एज देखा जाता है कि कितनी वहाँ पर लोग जमा कर सकते हैं तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकिंग बाय द ग्रुप और इस तरीके की जो भी लोन एक्टिविटीज़ होती है ये SCG ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं वॉट एवर लोन इज गारंटेड नॉट पर्पस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज एंड रिपेमेंट द शेड्यूल और एक रिपेमेंट का शेड्यूल रखते हैं कि इतने टाइम में आपको इतना इंटरेस्ट देना है और बहुत लेस इंटरेस्ट होता है एक एग्जांपल हम स्टूडेंट ने कि मान लीजिए 10,000 कलेक्ट हुआ और 10,000 पे 2% किसी मेंबर ने लिया है और उसको इतना इंटरेस्ट देना है तो बरोबर जो भी वहाँ से लेंगे नो कोलेट्रल नो डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होती है वेरी लो इंटरेस्ट में होता है तो इट इज़ द ग्रुप दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन और इन केस मान लीजिए कि जो कि वहाँ पे जो मेंबर होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रिपेमेंट है जो वहाँ मतलब जो लोन है उसको हम पे एक पूरा कंप्लीट कराएं तो नॉन रिपेमेंट बाय एनी मेंबर ऑल द मान लीजिए किसी मेंबर ने तो वो एक सीरियसली वहाँ पर फॉलो इंस्ट्रक्शन होता है और इस तरीके से वहाँ पर फॉल्टी कम होता है और रिपेमेंट ईजिली हो जाता है और इस रिपेमेंट को शो करके बैंक से भी सोसाइटी को दिखा के एक बड़ा लोन भी वहाँ के लोग ले लेते हैं कि देखिए मैं रेगुलर यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ और इस तरीके से यहाँ पर हम लोन की एक्टिविटीज़ को वो शो करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डे मे एंड लोन फ्रॉम अ बैंक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय मेंबर्स और उस तरीके से वो अपना जो भी डिसीजन होता है और बड़ा लोन के लिए वहाँ की जो मेंबर्स होती हैं वो उनकी हेल्प करके और उनको एक प्लेटफॉर्म वो भी मिल जाता है लोन के लिए तो वुमेन इम्पावरमेंट हो जाती है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म टू डिस्कस जैसे सोशल इशूज़ है सच एज हेल्थ न्यूट्रिशन डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे एक रेगुलर मीटिंग होती है ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एज एन एक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ न्यूट्रिशन डोमेस्टिक वायलेंस इन सब सारे डिस्कस हुआ जाता है और इस तरीके से यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप कि आज हम लोगों ने पढ़ा इसके फीचर्स और सबसे जो आपने देखा
कि लो इंटरेस्ट है, नो कोलेट्रल, नो डॉक्यूमेंट. और इनफॉर्मल अगर हम देखें चाहे फॉर्मल देखें तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जैसे फॉर्मल में अगर जाएं तो वहाँ कोलेट्रल देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, और ये चीज़ें नहीं होती हर लोगों के पास, तो लोन नहीं मिल पाएगा. और रीपेमेंट देने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे उसको चुका पाएँ, कैसे जमा कर पाएँ. तो ये इसलिए SCG छोटा सा ग्रुप है, छोटा लोन दिया जाता है और आप ही का मनी लिया जाता है, और बहुत ईजिली वहाँ पर वो लोग रिपेमेंट भी करा लेते हैं. तो यहाँ फॉल्टी नहीं होता है जनरली, और इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होती है. तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी ट्रुथ है वो एक बोरोवर गेट एक्सप्लोटेड है. और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर देखा, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट की, इनकरेज द सेविंग अमंग द पुअर एंड डेवलप द मैनेजर स्किल अमंग द पीपल. वहाँ पर एक तरीके से मोटिवेशन, एक तरीके से इनोवेशन हुआ, और जो भी लोगों के पास, जो भी वुमेंस हैं जिनके पास जो भी उनके पास सेविंग है, वो उसको वहाँ पर सबमिट करती हैं और एक बड़ा अमाउंट वहाँ से ले के 10,000 20,000 जो भी कलेक्शन हुआ. और इस तरीके से मान लीजिए किसी को बिजनेस छोटा करना है, किसी को फार्मिंग करनी है, किसी को कुछ करना है, तो वो स्पेस पे वहाँ पर लोन ले लेते हैं. और इस तरीके से बोरोवर एबल हो जाता है प्रोक्योर द लोन्स ऑन टाइम एंड रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. और बहुत रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ के जो भी लोग होते हैं वो अपना अगर लोन लिए तो उसको इजीली पे कर पाते हैं. और दीज ग्रुप हैव आल्सो हेल्प द वुमेन. और ये ग्रुप स्पेशली वुमेन्स का होता है, ऐसा नहीं है कि मैंस का नहीं बनता, मैंस का भी बनता है, लेकिन जहाँ जनरली जो है वुमेन्स के लिए ही हेल्प होता है. और दीज ग्रुप हैव आल्सो हेल्प द वुमेन टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट. इस तरीके से जो वहाँ की वुमेन्स हुई वो सेल्फ रिलायंट हो गई. और एक मैं यहाँ पर एग्जांपल शेयर करूँगी स्टूडेंट की, जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में वो सबसे बड़ा वहाँ पे SCG ग्रुप है स्टूडेंट. और ये SCG ग्रुप की जो इनिशिएटिंग हुआ था, जिसने किया था, वो स्टार्टेड बाय प्रोफेसर महमूद उनस ने किया था. और इन्हें रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज़ इन 2006 में. और ये स्टार्टेड इन द 1970 एंटिल अक्टूबर 2014 एट गॉट द ओवर 8,600,000. सोचिए इतने मिलियंस ऑफ मेंबर्स यहाँ पर ऐड थे, और जो कि अक्रॉस 390 अक्रॉस पॉपुलेशन है बांग्लादेश में. तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक SCG ग्रुप कलेक्ट हुआ. और वहाँ जो महमूद थे उन्होंने पुअर हाउल्ड जो वुमेन्स थी उनको बुलाया और उनसे बात करके और एक बड़ा अमाउंट को कलेक्ट किया. और बहुत बड़ा यहाँ पर SCG का ग्रुप है. और इस तरीके से यहाँ पर जो फ़ंड है वो भी बड़ा हो गया. और जब फंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड हुए तो फ़ंड बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोन की भी हेल्पिंग अच्छी हुई. और इस तरीके से छोटे छोटे लोन्स लोग लेके अपने बिजनेस के लिए और बहुत कम इंटरेस्ट में लोगों का काम हुआ. तो आपने देखा कि स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू मेम्बर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वुमेन. तो इस तरीके से यहाँ पे SCG आज हम लोग का टॉपिक कम्प्लीट हो गया. थैंक यू स्टूडेंट.